गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ लयाल पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड एट होम एंड एंजॉय योर क्लासेज। स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वीडियो वी हैव लर्न अबाउट आर सेफ्टी, चैप्टर नंबर 13, आर सेफ्टी एट होम। इफ वी प्ले विद अ शार्प ऑब्जेक्ट वी कैन गेट हर्ट ना? अगर हम किसी शार्प ऑब्जेक्ट से खेलते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? हर्ट हो जाते हैं, हमें चोट लग सकती है ना। वी शुड लर्न टू बी सेफ एंड अवे फ्रॉम डेंजर एट होम। हमें क्या करना चाहिए? हमें सेफ रहना चाहिए और खतरा होता है जो उससे दूर रहना चाहिए। लाइक वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस विद वेट हैंड्स। हमें गीले हाथों से इलेक्ट्रिक स्विचेस को टच नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट प्ले विद मैजेस्टिक और नियर फायर। हमें मैजेस्टिक से नहीं खेलना चाहिए और आग के पास नहीं जाना चाहिए। वी शुड नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट, शार्प ऑब्जेक्ट से हमें खेलना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट ओपन डोर फॉर स्ट्रेंजर्स, और हमें स्ट्रेंजर्स के लिए जो अजनबी लोग होते हैं उनके लिए डोर ओपन नहीं करना चाहिए। If we run down the stairs, we may fall down. अगर हम stairs पे भागते हुए चढ़ते हैं उतरते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम गिर सकते हैं, है ना? ये पढ़ा था ना? Do you remember? Safe and unsafe touch. जैसे कि मैम ने आपको बताया था, sometime a touch can make feel good. कुछ touch ऐसे होते हैं जो हमें अच्छा feel कराते हैं, लेकिन when our mother and father hugs you, we feel good, है ना? जब हमारे मम्मी पापा हमें टच करते हैं और हग करते हैं तो हमें अच्छा होता है, अच्छा लगता है। Forever some touch may make us feel unsafe, uneasy, scared, confused, है ना? तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? जब हमें अच्छा फील नहीं होता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें शाउट करना चाहिए, हमें मना करना चाहिए और वहां से भाग देना चाहिए। और जिसके साथ हम कंफर्टेबल फील करते हैं, जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि इस इंसान के साथ हम अपने आप को प्रोटेक्ट फील कर रहे हैं, ये हमें प्रोटेक्ट करेगा, उसको बताना चाहिए। Is that clear? Now it's time to learn about safety on road. है ना? अभी मैम ने आपको क्या जो हमने पहले पढ़ा था उसको रिवाइज कराया, अब क्या करना है? Safety on road. Okay? On the road we must always follow some important rules. अब हमें क्या करना चाहिए? On road हमें कुछ safety rules को follow करना चाहिए. Okay? We must not play on run or run on the road. हमें क्या करना चाहिए? Road पर कभी भी खेलना नहीं चाहिए और भागना भी नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, वी मस्ट ऑलवेज वॉक ऑन अ फुटपाथ बिसाइड द रोड। जो रोड के साइड में फुटपाथ बना होता है हमें वहां पर क्या करना चाहिए? हमें वहीं पे वॉक करनी चाहिए, रोड के बीच में वॉक नहीं करनी चाहिए। ओके बेटा, वी मस्ट क्रॉस द रोड विद एन ऑर्डर older person, with an older person. हमें हमेशा जब रोड क्रॉस करनी होती है तो अपने किसी बड़े के साथ करनी चाहिए, अकेले कभी भी नहीं करनी चाहिए। ओके, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स वाइल क्रॉसिंग द रोड। और जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो हमें ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना चाहिए। ओके, डू यू नो what the traffic light says? Yes. Red says stop, red light says stop, yellow light says wait, green light say go. अब देखो, जो red light है वो क्या कहती है हमें? Wait, आपको stop, रुक जाओ, अभी आपको आगे नहीं जाना है। Yellow light wait और green light go. Is that clear? Now students, I will show you a video that based on safety on road. Watch carefully and enjoy your video. Okay, beta? I'm so excited to
Okay students, you watch the video. I hope you enjoy your video. Now it's time to do exercise of this chapter. Okay, our first exercise is take the correct option. We must not touch with wet hands. हमें अपने गीले हाथों से क्या टच नहीं करना चाहिए? इलेक्ट्रिक स्विचेस, टॉयज और बुक्स, इलेक्ट्रिक स्विचेस. ओके, उसे हमें करंट लग सकता है ना, शॉक लग सकता है ना. यस, वी मस्ट नॉट टॉक टू फ्रेंड्स, फैमिली या स्ट्रेंजर्स. स्ट्रेंजर्स, सो वी टेक ऑन स्ट्रेंजर्स. वी मस्ट वॉक ऑन द रोड, फुटपाथ, फेंस. सो वेयर वी वॉक, फुटपाथ. ओके, वी मस्ट क्रॉस द रोड विद एन ओल्डर पर्सन, अलोन. विद स्ट्रेंजर्स, विद एन ओल्डर पर्सन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज it is important to learn how to keep yourself safe. Take the picture that shows safe action. Okay, beta. Ranveer is alone at home. A stranger's knock on the door. Ranveer जो है वो घर पर अकेला है और कोई strangers जो अजनबी है वो क्या कर रहा है? डोर को नॉक कर रहा है. तो अब उसको क्या करना चाहिए? तो वो क्या करेगा? हेलो, हु आर यू, ऐसे पूछेगा उनको, या अपने पापा को बुलाएगा, पापा देयर इज अ स्ट्रेंजर एट द डोर, या अपने पापा को बुलाएगा कि पापा वहां पर कोई स्ट्रेंजर आया है. यस, पापा देयर इज अ स्ट्रेंजर एट द डोर. ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्या है. यस, ओके, एन अननोन वुमन ऑफर श्रीजा ए चॉकलेट बार ऑन द रोड. अगर आपको कोई अननोन पर्सन चॉकलेट देता है तो क्या आपको लेनी चाहिए? नो, आई डोंट वॉन्ट इट, या थैंक यू. यस, नो, आई डोंट वॉन्ट इट. सो वी टेक ऑन दिस पिक्चर. ओके बेटा, नेक्स्ट इज अलन इज ट्रेवलिंग इन द स्कूल बस. अब देखो, आप लुक एट द पिक्चर्स. देखो, अच्छे से बैठ के जाएंगे हम बस में, या ये करके अपने हैंड्स को बाहर निकालेंगे? नो, ये रॉन्ग है, दिस इज द राइट. ओके, सो वी टेक ऑन दिस. देखो, आराम से सब बच्चे बैठ के जा रहे हैं ना, अच्छे से, लाइक दिस. आपको भी ऐसे ही जाना है. जब आप अपने स्कूल से घर जाते हो या घर से स्कूल आते हो तो आपको भी ऐसे अच्छे से बैठ के जाना है. अपना फेस बाहर नहीं निकालना है, अपने हैंड्स बाहर नहीं निकालने हैं. ओके, सर्कल द करेक्ट वर्ड. द रेड लाइट सेज स्टॉप और गो स्टॉप. सो वी टिक ऑन स्टॉप. हम किस पे टिक करेंगे? स्टॉप. ओके, द ग्रीन लाइट से स्टॉप और गो, गो. सो वी टिक ऑन गो. ग्रीन लाइट सेज गो. येलो लाइट सेज वेट. येलो लाइट से वेट. वी मस्ट क्रॉस द रोड विद ओल्डर और यंगर पर्सन. ओल्डर पर्सन, अपने बड़े जो हमसे बड़े होंगे हम उनके साथ रोड क्रॉस करने चाहिए ना. यस, सेफ्टी रूल्स मस्ट बी फॉलोड समटाइम या ऑलवेज. ऑलवेज. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर एंजॉयड टुडेज क्लास. वी विल मीट इन नेक्स्ट मीटिंग. टिल देन यू रीड द चैप्टर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट व्हाट इज इन द चैप्टर एंड फिल योर बुक. टेक केयर, बाय बाय.